तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं प्रेमजीत अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं आया हूं अपने खेत में घूमने, और यहां मतलब हमारे खेत में, खेत हमारा मतलब गेहूं लगा था हमारे खेत में और कट चुका है भी, तो काट के और हमारे जो थे सभी लोग काट के और उसको मतलब बोझ बांध रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना मतलब कड़क धूप है, इस धूप में मतलब किस तरह सभी लोग बोझ बांध रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह मेहनत सभी लोग कर रहे हैं, इधर मतलब जूना यहाँ लगा रहे हैं और उसको लगा के फिर बोझ बांध रहे हैं, बोझ बांध के उसके बाद बोझ बन जाएगा, फिर उसको इकट्ठा करेंगे, उसके बाद में मतलब इसको दबाया जाएगा जो थ्रेसर होता है उसमें, मतलब लगा के उसको गेहूँ और उसका जो है अलग किया जाएगा। तो दोस्तों, किस तरह किसान की ज़िंदगी होती है आप लोग देख सकते हैं, और हम दिखा रहे हैं आपको बैक कैमरे से किस तरह मतलब बोझ को इकट्ठा मतलब समथा रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, फिर बाबा से लिख कर मिलते हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं बाबा जी हमारे। बाबा क्या करते हो? चटनी मारत हो? चटनी का है मारत है बैठा? टपली मारत हो? एक ही मतलब बोझ बैठाते हो? ये हिंदी टपली मारना मतलब हिंदी कोई भाषा है कि कोई मतलब किसी देश का भाषा है क्या? पंजाबी भाषा। दोस्तों टपली मारे मतलब पंजाबी भाषा है, तो ये मतलब टपली मार रहे हैं बाबा जी अपने पास में, टपली बोलते हैं क्योंकि पंजाब में बाबा जी हमारे काफ़ी दिन तक रहे, टपली बोलते हैं, और शायद में 14-15 साल थे ना, 14 साल दोस्तों खाली पंजाब में मतलब बिता दिए, वहाँ पे काम करके और मतलब वहीं पे रहते थे अपना, घूमते खाते थे और रहते थे, मतलब 14 साल घर पे आए थे 14 साल के बीच में कि नहीं आए थे? घर पे आए थे 14 साल के बीच में नहीं आए थे? 14 साल हो गया है पूरा वहाँ पे, फिर वहाँ से घर को याद किए हैं, फिर निकले हैं, और देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे ऐसे मतलब बिठा के और उठाते हैं, और तो क्या कर रहे हैं अभी इसको, क्या करेंगे बाबा इतना ऊंचा लगा के? आए इतना उठा, इतना बड़ा, इतना के गांजे लेते हो पार, तो का करियो का बांधे है ना, एक गूठा लगाएगा, गूठा लगाई है वहाँ, तो गूठा लगा खूब टाइट कर दो, खुली तो ना, ना। खुलेगा नहीं ना। का बात है, तो इसे पूरा दिन ऐसे मेहनत करा करते हो ना, थकत ना आए हो? थकत ना आए हो? दोस्तों थक नहीं रहे हैं बोलने, थक नहीं, और घाम तो लग रहा है ना, धूप खूब लग रहा है ना, ठंडी लग रहा है, ठंडी लग, दोस्तों हमारे बाबा को ठंड लग रहा है, और हमको तो इतना धूप लग रहा है, इतना धूप कि मतलब मेरे माथे में पसीना बिल्कुल चू रहा है, तो पूरा पसीना का पसीना ही छुआ है, मतलब इतना धूप लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर रुकने का इच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हम आप सभी के लिए व्लॉग्स मुझे तैयार करते हैं, यहाँ आए हैं तो व्लॉग जरूर दिखाएँ आप सभी को किस तरह हमारे बाबा लोग और हमारे परिवार के सभी लोग मतलब मेहनत कर रहे हैं, मतलब हम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करते हैं, हम भी करते हैं, फिर हमारा वीडियो बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, हमारे पास मौका रहता है तो हम करते हैं, और रखो अगर नहीं मौका मिलता है तो हम नहीं करने आते हैं, लेकिन अगर हमारे पास मौका रहता है तो हम भी करवाते हैं, हाथ बटाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम बहुत वो हैं। तो दोस्तों बस आप लोग देख ही लिए, हमारा ये पूरा खेत पड़ा हुआ है, यहाँ से पूरा अपना ही है तो काटने को लगा है, तो ज़्यादा वो लोग बड़ा ना करते हुए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, वंदे मातरम।